वीडियो ऊपर क्लिक करछन माने डेफिनेटली आपण ओडब्ल्यूएस जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फ्यूचर रे आपण एग्जाम दबा पई जाउछन कालठो आपण एग्जाम स्टार्ट होची कंटीन्यूअसली आपण डिफरेंट शिफ्ट हेगला डिफरेंट डेज रे आपण एग्जाम कंडक्ट करा दिबो तो सब भाई भोनी माने मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट होइबो ऑलरेडी आपण जानछन कंसेक्यूटिवली दुटा एग्जाम रे आपण बहुत गुडी पिलांकर मोरल डाउन होची पॉजिटिव सेतिक थिंकिंग सेमानकर आसीपन तो एग्जाम टाइम एटा तो समस्त माइंड रे एटलीस्ट देयर पॉजिटिव थिंकिंग न आनी पारंत बट कहार मोरल को डाउन करंत नै बिकॉज को भी पिला को मोमेंट रे क्रैक करके एग्जाम पळेबो सेटा केबे भी आमे कहि परबा नै मानु जे आमे जो बेला परिश्रम करते रिजल्ट ए पर्यंत पाइने हुए देयर नेक्स्ट एग्जाम रे आमे पाई परबा सेही भरोसा रे डेफिनेटली आमे समस्त एग्जाम दउछि म आपन को एही भी कथा कहि दउछि जो माने भी बसे कि कहा माइंड रे नेगेटिविटी आनिया पई चेष्टा करछन कि नेगेटिव कमेंट करछन सेही माने आपन मान तो एग्जाम डेफिनेटली दबा पई जिवना तो मो कथा बुझी पड़ते दु दिनस कहिबी कहा कहा माइंड रे नेगेटिविटी आनिया पई चेष्टा करंत बाटर छाड़ दिखाते एक्जाम अपियर करके आसतु हुए तो फेवर में जाए कि फेवर में भाई न भी जाए तो से कहूँ बहुत गुड़े जिस डिस्कसन करी शुणी मैंने तो स्किप करके पलैबे कि जमा भी मो कथ पसंद आसने फरगेट मैंने भूली जी वीडियो देखी सारा बट बहुत जिन बहुत इनफर्मेशन सेयार करेंगे जो मैं शुणार अच्छे लास्ट पर्यटन शुणी ने कल स्टार्ट होती 29 आप फास्ट डे जना पड़ जा आप पेपर पैटर्न कौन बन क्वेश्चन लेवल कौन रोच आपको प्रेडिक्ट करते स्कोर जापर ओके जिनस मुझे डिस्कसन करी समस्त जानते हो 40 क्वेश्चन आप एग्जाम बनबे जोटा कि आप 100 मार्क क्यारी करेंगे आप इंग्लीश आड़िया मैंने लांगुएज पेपर क्लीयर कट रोचे लांगुएज पेपर क्लीयर कट दुटा पर डिपेंड करें मैंने इंग्लीश जब आप क्वेश्चन फर्मेशन है भोकिया भी आसपे मैक्सीम ना आप ग्रामर आसपे आउ कम्प्रिहेंशन आसे आप ऑटोमेटिक डील करके पलि आसेंगे जना पड़े जो भोकिया कैसे क्वेश्चन अच्छे मैंने सिनोनिम एंटोनिम होगा कि आप स्पेलिंग टेस्ट होगा कि आप नॉर्मल जहाँ भी इडोमेंट फेजेस है भोकिया कैसे क्वेश्चन अच्छे ना जना पड़े ग्रामर आर्टिकल आसा कि नाउन आसा कि प्रोनाउन आसा कि प्रिपोजिशन आसी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसी कि जहाँ भी आप चैप्टर रहा कौन फेस मैंने आप क्वेश्चन क्रिएट होती आप जना पड़े फास्ट शिफ्ट पर ही आप सबके जानपरेंगे तो ओरिया दरकार नहीं सफिसीयंट टाइम मिले कौन कहे आपको सफिसीयंट टाइम वन आवर मिले 60 मिनिट्रे आप एग्जाम को आराम से डील करेंगे बिकज लांगुएज पेपर एत टाइम लगे ना ओके जदि क्वेश्चन मन रखे जदि इजी अच्छे आउ थे कहीदेज भलसे शुणापी चेस्ट करूँ जदि क्वेश्चन बहुत इजी अच्छे जो भाई आप प्रिवियसली ओडा बैले सीजीएल एग्जाम जो भाई आप क्वेश्चन बनीता जदि इजी पलैसा डेफिनेटली मन रखे कंपिटन बहुत टफ हो मैंने आप कंपिटन में बहुत रेस करने पड़ो आप जानते यार क्वेश्चन इजी आसे सब पिला मैक्सिमम पिला मैक्सिमम अटेम्प्ट करके पलि आसेंगे 40 रु 40 भी लगे देते जो क्वेश्चन इजी अच्छे जदि क्वेश्चन लेवल मॉडरेट अच्छे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सेठी कमी जीवो मुझे यार क्वेश्चन पेपर कौन बनबो इजी आसो कि मॉडरेट आसो एटा काली ही जना पड़ो ए विषय में समस्त ऑलरेडी अवेयर थी नेक्स्ट जो बुझे चेस्टा करेंगे ये आप फास्ट समस्त बुझीगले 40 क्वेश्चन आप 100 मार्क डील करेंगे जो समस्त जानते हैं इज क्वेश्चन आप 2.5 मार्क रोच ओके मैंने आप 40 × 2.5 जोटा कि आप 100 मार्क टोटल हो मन रखिए नेगेटिव मार्किंग अच्छी 1/4 भावंतु ओके जमा भावंतु 0.625 एमती भाविले आप माइंड गोटे इंटेंशन अच्छी बेसी नेगेटिव मार्किंग अच्छी जमा भी नहीं भाई से ही मार्क अच्छी मैंने जब आप वन मार्क जो मिले जो 0.25 आप नेगेट हुए से ही स्ट्रक्चर नहीं जाए जदि आप कौन क्वेश्चन में 50-50 आप लगुच जापरेंगे मैंने फेवर भी आप 50-50 लगे जापरेंगे जब आप जाना नहीं क्वेश्चन विषय में कंप्लीट एयर स्किप करेंगे जब कंप्लीट एयर जाना नहीं ओके नेक्स्ट जब क्वेश्चन लेवल मुझे ही कहती क्वेश्चन लेवल इजी ना मॉडरेट बिकॉज़ हाई लेवल क्वेश्चन मत कहीं लगुनी भाई आसो इजी आसे मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट पुणी थे हाई जी आप कट ऑफ प्रेडिक्शन भाभी नियंतु कौ भाया कट ऑफ जो जो भाई आप ऑलरेडी देखिए आई सिनेरियो क्वेश्चन लेवल जब आप मॉडरेट आसा तो डेफिनेटली ठीक ठाक कट ऑफ जी आउ गए क्या सब बड़ा फैक्टर कर नॉर्मलाइजेशन मुझे भी कही दूसरी बिकज यार ओडब्ल्यूएस सीजीएल एग्जाम नॉर्मलाइजेशन सफिशिएंट लगे गोटे पिला 15 मार्क पाखापाखी नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैंने स्कोर जापारे से कहूँ नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट यार मैटर कर नॉर्मलाइजेशन एटी लागू हम बिकज एटी डिफरेंट आप शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट करा डिफरेंट डेट रे भी आप एग्जाम कंडक्ट करा तो पेपर लेवल तो सब तक शिफ्ट सेम रही पारे तो डिफरेंट शिफ्ट आप डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन मैंने स्कोरिंग डिफरेंट डिफरेंट आसो से नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली लागू हम तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ रोल प्ले कर मन रखे जिन ओके नेक्स्ट जी ओके कट ऑफ प्रेशर ऑलरेडी हमें कट ऑफ प्रेशर एटा मुझे कौन पर लिखी बिकज दुटा आप मैक्सिमम पिला एस होगा ओडब्ल्यूएस सीजीएल एग्जाम में फेलियर मारी जो मैंने भल स्कोर करके सेक्शनल कट ऑफ लगेगा जो टेंशन आप माइंड आसा सेकंड आपने देखते कट ऑफ एत हाई गला नॉर्मलाइजेशन लगेगा कट ऑफ भी हाई पड़ेगा जितकी आम प्रेडिक्शन करते गोटे गोटे पिला 171 कि 173 भी कटिंग ओके तो से तो डेफिनेटली प्रेसर रहा बट कही आपके किसी चान्स नहीं डेफिनेटली आप कल एग्जाम अटेंड करेंगे जिते भी प्रेसर थे आप चेस्टा करेंगे एग्जाम पेपरटा कमी भी हो मोर भल हो पास्ट फैक्टर को मैटर कर बसिले आप नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ी पारे ना ओके नेक्स्ट जी नॉर्मलाइजेशन प्ले ए वाइटल रोल मुझे लिखुची सुपर इंपोर्टेंट गोटे पेपर जो हार्ड पड़े आसा कौन कहे गोटे पेपर हार्ड पड़े आसा आप
মানে এক্সাম পূর্বর ডিফাইন করে দিয়েছেন যে মতো 40-35 কোশ্চেন কি 36 কোশ্চেন আটেন্ড করা পড়বে, নহলে মোর সিলেকশন হবনি। বট যদি কোশ্চেন পেপর হার্ড পড়েলা 40 যদি আপনার 30 বি আটেন্ড করছেন পরে নর্মালাইজেশন লাগিগেলা সে স্কোরটা পিকেকি পড়াইব। সেইপাই চকরে বসবেনি যে মু ফুল ফুল আটেন্ড করবি, কোশ্চেন আসুচি আর ইজি লেভেল অছি তো আটেন্ড ফুল ফুল করিপারবে, কোশ্চেন যদি আসুনি আর ডিফিকল্ট লাগুচি তো যেতিকি পারিবে সেতিকি আটেন্ড করবে। নর্মালাইজেশন বহুত বড় প্লে রোল করিব, বিকজ ইয়ার ডিফরেন্ট সিফ্টরে আপনার এক্সাম কন্ডাক্ট করা হচ্ছে, কেবে বি সবুতক সিফ্টরে এক্সাম মানে আপনার যে পেপর ইকুয়াল রহিব না। নেক্সট যা মনে রাখবে সব মানে ম্যাক্সিমাম পিলাঙ্ক মাইন্ড রেটা নথিলো যে কেতে পিলা আপনার সিলেক্ট হয়ে, আপনার দেখে দিচ্ছি নোটিফিকেশন আপনার ক্লিয়ার করে দেখি পারবে, নোটিফিকেশন দেখে দিচ্ছি মেনশন কেতে টাইমস করাইছি দেখুন দে। ক্যান্ডিডেট নম্বরিং এবাউট মানে যে ডিটা লেখা হয়েছে সেটা দেখবে সমস্ত টিকে পড়ি নেবে। ক্যান্ডিডেটস নম্বরিং এবাউট 10 times ওকে অফ দ্য ভ্যাকেন্সি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা আপনার রয়েছে শর্ট লিস্টেড ফর টাইপিং টেস্ট ইংলিশ বেস পারফরমেন্স, আপনার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ যে টেস্ট যেভাবে আপনার পারফরমেন্স আসবে সেমানে 10 times পিক করবে। মানে ভাবি নিয়ে আর কেতে পিলা বর্তমানে সিলেক্টেড হবে, মানে আপনার ফার্স্ট স্টেজে মনে রাখবে কমপ্লিটলি আপনার দেখি পড়তে 1300 পিলা সিলেক্টেড হবে, 130 ভ্যাকেন্সি আছে না তো ডেফিনেটলি আমি 1300 পিলা সেমানে পিক করবে। নেক্সট আপনার যে কম্পিউটর স্কিল টেস্ট হচ্ছে সেইপাই আর কহুচি কট অফ ঠিকঠাক যাব মো হিসাবে, এতে বি আপনার মানে যেভাবে আপনার প্রেডিকশন করছেন সেমতি যাবেন, যদি নম্বর মানে 130 হয়েথা পিলা তো ডেফিনেটলি কট অফ হাই যাইথা, দেখবে যে 1300 পিলা সেমানে পিক করবে তো ঠিকঠাক যাব, জমা বি ওরিড হবেনি পেপরে আরামসে পার্ট যা এক্সপিরিয়েন্স লা তাকে স্কিপ করি নিজে যেতিকি অ্যাবিলিটি আছে তাকে লগাইব চেষ্টা করবে। হোপস সমস্ত এক্সাম পেপর কালি ভালো পড়ো, মু বেশি কিছু কহিকি আপনার টাইম বি বরবাদ করবি কি আপনার জানিছেন এক্সামের প্রেসর কালি আপনার অছে, তো আরামসে রাতে আরামসে শোবে, কালি সকালে যে পেপর আছে সেমানে আটেন্ড করি আসিপারে, আর যেমনকর পেপর না নেক্সট আগুন ফেজ অছে ডেফিনেটলি ওয়েট করি বসে মু আপনার সবুতক আনালিসিস এটি কহিদেবি। তো এটি মু ভিডিওকে এন্ড করছি আর সমস্ত কহিবি কালির এক্সাম পাই সমস্তে অল দ্য বেস্ট, আর সমস্ত এক্সামে মানে ভালসে আটেন্ড করি আসবে, জমা বি কিছু প্রেসর নেবেনি, তো বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ক্র্যাক দ্য এক্সাম।